everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to start with the most requested part of CUET syllabus, that is Indian society. You guys have requested me a lot ki ma'am Indian society cover kariye. So aaj se hum log Indian society ka part start kar rahe hain. Channel par jab aap playlist mein jaoge to playlist mein aapko Indian society ki ek playlist milegi, theek hai? इंडियन सोशोलॉजी से रिलेटेड या इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करूंगी. ओके, सो उस प्लेलिस्ट को अपने में ऐड कर लेना, उसमें एक ऐड बटन होता है वहाँ से. सो स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग बहुत ही बेसिक सी चीज़ पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ इंडियन सोसाइटी और उसके फीचर. दिस पार्ट इज़ डायरेक्टली गिवन इन योर CUET एंड नेट में भी. जो हमारा रूरल और अग्रेरियन वाला पार्ट होता है वहाँ से इंडियन सोसाइटी के बहुत से टॉपिक हैं जो मैच होते हैं. ओके, इसके अलावा UP, HESC, PGT इन सब एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक और ये प्लेलिस्ट यू कैन से इम्पॉर्टेंट है. सो आई एम योर एजुकेटर. दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माई नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट जॉइन, क्योंकि सारी जो PDF हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एवरी थिंग यू विल फाइंड ऑन द टेलीग्राम. तो टेलीग्राम एंड द डिस्कशन ग्रुप, वो दोनों ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग इंडियन सोसाइटी के फीचर्स पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल कि इस जो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, इंडियन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डायनेमिक आते हैं. मींस जो भी टॉपिक इस टाइम करंट में चल रहा होगा उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई स्कीम में से क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर हाँ, सेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. सेंसेस से क्वेश्चन बहुत आते हैं. ओके, आई विल टेक अ क्लास ऑन सेंसेस, डोंट वरी. बट आई वुड लाइक टू टेल कि यहाँ पर ना आपको चीज़ों को समझना है और बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जिनको रटना है. ओके, सो इस नोट के साथ इंडियन सोसाइटी को पढ़ना. देखो, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज. वी ऑल नो इंडिया की हिस्ट्री कितनी लंबी है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, है ना, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, वाइड स्प्रेड एंड डाइवर्स. और हमारी जो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो बहुत ही अलग है, वो बहुत ही डाइवर्स है और बहुत बड़ी है. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी दिस टॉपिक ना, तो आपको इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, राइट. For the ages together, many races have contributed to the culture of India. हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी races रही हैं जिन्होंने हमारे इंडिया के कल्चर में बहुत सारा contribution दिया है. For some, it is the place for temporary settlement, but many people have permanently settled within her borders. इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो temporary settlement जिन्होंने किया, means एक जगह थोड़े दिन के लिए रहे फिर आगे मूव कर गए. बट कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने permanently इंडिया में settled किया. नाउ दिस पार्ट इज़ लाइक हिस्ट्री पार्ट. अगर किसी ने बेसिक सोशल साइंस की बुक्स पढ़ी होंगी या 6th to 12th की कोई भी NCERT पढ़ी होगी, यू गाइज वुड हैव सम आइडिया अबाउट दिस. ओके, देर इज़ अ सिंथिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एटर्नल वैल्यूज. इंडिया इज़ अ वास्ट पेनिसुला एंड फॉर इट्स साइज एंड हेट्रोजेनिटी इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज सब कॉन्टिनेंट विद द एरिया. देखो, इंडिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग कह सकते हैं दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो है कि हेट्रोजेनिटी बहुत है हमारे यहाँ. वेर एवर यू विल गो, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. सो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ हेट्रोजेनिटी. इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट वी विल डू, उसमें हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करेंगे. सो वहाँ पर आपको ये हेट्रोजेनिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा. यू गाइज नो दैट इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. दैट मीन्स वेर एवर यू विल गो, हर स्टेट में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि लोगों का जो कल्चर है, लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है, लोगों का जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो सेम होंगे, राइट. सब कुछ आपको वहाँ पे डिफरेंट मिलेगा. सो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. CUET के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. Now, from the 19th century onwards, there has been growing confluence of cultures because of emergence of new forces and factors adding to already existing immense cultural diversity. देखो, इस बात का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारा कल्चर आगे जा रहा है, अभी जो कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है उसमें वो कल्चर एड हो रहा है, राइट. तो हमें वैरायटी ऑफ थिंग्स देखने को मिलती हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप एक मॉल में गए. अब उस मॉल में आपको आज का जो जनरेशन है, जैसे हम लोग जेन जी बोल रहे हैं, उस जनरेशन का ड्रेसिंग सेंस आप देखिए, और जो पुराने यानी हमारे फादर, हमारे मदर, उनका ड्रेसिंग सेंस आप देखिए. यू विल फाइंड दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ
यू नो थिंकिंग एंड कल्चर थिंग्स, राइट, मटीरियल कल्चर जिसको हम कहते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बिकॉज जो है उसमें और नया नया कल्चर ऐड होता चला जा रहा है, हेंस वी आर हैविंग कल्चरल डाइवर्सिटी. द टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन हैज लेड टू द इंसेप्शन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने वेस्टर्नाइजेशन स्टार्ट करा, मीन्स धीमे धीमे करके हमने वेस्टर्न आइडियाज़ को अडेप्ट करना स्टार्ट किया, हमने देखा कि हमारा टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हुई, स्पेशली टेक्नोलॉजी जो हमने अडेप्ट की. दैट मीन्स हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़े और हमारा ट्रांसपोर्ट मॉडर्न हुआ, हमारा कम्युनिकेशन चेंज हो गया, है ना. पहले हम लोग टेलीफोन से बात करते थे, अभी हम लोग को देखो एंड्रॉयड है हमारे पास, मोबाइल है, नई तरह की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, राइट. ये सब क्यों हुआ? वेस्टर्नाइजेशन की वजह से. नाउ रिलीजन स्टिल रिमेन्स एज अ डिफाइनिंग फैक्टर इन एवरीबडीज माइंड, बट हमारे इंडियन सोशल सिस्टम में आज भी रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एज अ सोशोलॉजिस्ट यू ऑल नो, जिन्होंने बीए करा होगा उनको तो पता ही होगा रिलीजन क्या है क्या नहीं, राइट. रिलीजन हैज अ रोबस्ट इंट्रेंचमेंट इन इंडियन सोसाइटी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड. मीन्स इंडियन सोसाइटी से रिलीजन को हटाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है. रिलीजन एक ऐसा कह सकते हो चीज़ है जिसको हम कभी भी लोगों से, इंडियन सोसाइटी के लोगों से सेपरेट नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते. ओके, हिंदुइज्म और हिंदू रिलीजन हैपन्स टू बी एंशियंट ऑफ ऑल रिलीजन. ये चीज़ आपको याद रखनी है, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया इसीलिए. सो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा रिलीजन है जो सबसे पुराना है, एंशियंट ऑफ ऑल रिलीजन है, सारे रिलीजन में ये सबसे ओल्डेस्ट है. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुइज्म और हिंदू रिलीजन. ओके, दैट्स व्हाई मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है. द अराइवल ऑफ आर्यन एंड द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव मॉडिफाइड द इंडियन सोशल कल्चर. अब जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी उन्हें ये पता होगा कि आर्यंस का जब इंडिया में एंट्री हुआ तो वहां से हमारा एक्चुअल सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है. ओके, इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री जानना होगा, बट यहाँ पर बस इतना समझो दैट अराइवल ऑफ आर्यन इज द मेजर फैक्टर, जहां से हम लोग मानते हैं कि हमारी जो भी सोशो कल्चर चीजें हैं वो तब से हम लोग मान के उसको आगे भी हमने उसे कैरी फॉरवर्ड किया और वो अभी तक चल रही हैं चीजें, ठीक है. जैसे कि हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में जो चीजें लिखी हैं, है ना, और भी चीजें हैं. इतना हिस्टोरिकल हमें नहीं जाना है डिटेल्स में, बस आपको इतना समझना है दैट आर्यंस ने 1500 BC में इंटर किया था इंडिया में, एंड उसके बाद से काफी कुछ हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो हेरिटेज है वो चेंज हुआ. ओके, देखो, आर्यंस कंसीडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर. अब यहां पर आपको बस इतना जानना है कि आर्यंस की एंट्री जो हुई उसके बाद से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें या बदलाव हमारी सोसाइटी में आए और वो आज तक चल रहे हैं, ठीक है. इतनी बात आपको याद रखनी है. अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं. आर्यंस कंसीडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर, याद रखना आर्यंस ने अपने आप को हमेशा सुपीरियर माना. दे प्रैक्टिस्ड एंडोगैमी. नाउ एंडोगैमी को मैंने पढ़ा रखा है, सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज एंडोगैमी एंड हैड द नोशन. और जिनको नहीं पता है एंडोगैमी, यू कैन कमेंट दैट यू डोंट नो, आई विल टेल यू इन द कमेंट. ओके, नोशंस ऑफ रिचुअल प्योरिटी एंड पोल्यूशन. अब देखो, यहां से प्योरिटी और पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया. प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बारे में किसने बात कही है? एज अ सोशियोलॉजिस्ट ये भी पता होगा, मैंने बहुत बार पढ़ाया है. लुई दुमो टॉक्स अबाउट इट. ओके, दीज आइडियल्स ऑफ द आर्यंस पेव्ड वे फॉर द ओरिजिन ऑफ वर्णा. याद रखना कि आफ्टर द आर्यंस, यानी आर्यंस के आने के बाद उन्हीं के ये आइडियाज थे जो आज हमें वर्णा सिस्टम के रूप में देखने को मिल जाता है. दैट मीन्स कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे जो डिविजन है, एंड कास्ट को हम कहते हैं जाति. ओके, द इंडो आर्यंस वर ब्रोकन इंटू थ्री ग्रुप्स. इंडो आर्यंस तीन ग्रुप्स में बटे हुए थे. पहला है ये वाला, राजन यानी वॉरियर्स या एरिस्टोक्रैट्स, ब्राह्मण प्रीस्ट एंड वैश्यास कल्टिवेटर. द पीपल ऑफ नॉन इंडो आर्यन वर कॉल्ड शूद्रास. और जो लोग इनके आर्यन ग्रुप में नहीं आते थे उनको ये लोग शूद्र कहते थे, ठीक है. तो नाउ यू नो द इमर्जेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम दैट वी स्टडी. मैं कास्ट सिस्टम को अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो अभी डरो मत कि मैम ये क्या इतना छोटे से मैं आपने बता दिया और मुझे तो कोई आइडिया नहीं है. इतना डरना नहीं है, मैं पूरा डिटेल कास्ट पे क्लास लूंगी, बिकॉज कास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑलरेडी CUET ने कास्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं. ओके, देयर वॉज ऑल्सो अ फिफ्थ ग्रुप द स्टेटस ऑफ विच वॉज वेरी लो. ये आपको याद रखना है, आर्यंस के टाइम पे फिफ्थ ग्रुप जो था, सबसे लोएस्ट जिनका स्टेटस था, उनको कहते थे पंचमा या फिर अवर्ण. ओके,
सो ये चीज़ याद रखना. अ पॉपुलर एस्टिमेट सेज दैट इंडियन सोसाइटी डेट्स बैक टू 5000 ईयर्स. तो ये भी याद रखना, इट्स जस्ट अ फैक्ट. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीजें, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें इस पीपीटी में डाली है. ओके, जवाहरलाल नेहरू यूज दिस फेज. आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इन योर सिलेबस, राइट? सो आपसे पूछ सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फ्रेज है वो किसने यूज किया था. ऑलवेज रिमेंबर द करेक्ट आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ओके, इनकी जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने इसका यूज किया था. It is important to note that the impact of westernization resulted in the emergence of new westernized elite in place of traditional elite of Indian society. देखो, westernization की वजह से हमें एक नया group अपनी society में देखने को मिला, जो कि था new westernized elite. आपने अगर movies देखी होंगी पुरानी, तो वहाँ पे देखा होगा ना, पुरानी movies में जो rural India दिखाया जाता है, उसमें दिखाते हैं कि कुछ ठाकुर होते हैं या कुछ बहुत अमीर ग्रुप होता है ना, कोई फैमिली है जैसे वो ठाकुर हैं तो बहुत अमीर हैं, वो ट्रेडिशनल एलीट है, मीन्स उनके दादा भी थे अमीर और उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी अमीर थे, राइट? सो अब हमें क्या देखने को मिलता है, आफ्टर वेस्टर्नाइजेशन वी सी वेस्टर्नाइज्ड एलीट. दैट मीन्स जो लोग बहुत अच्छे से वेस्टर्नाइज हो चुके हैं वो अपने में ही एक एलीट ग्रुप बन गया है. एलीट मीन्स वो होता है जो पावर होती है, जिसके पास, ठीक है, स्टेटस होता है, वो होता है एलीट ग्रुप. हाउ मॉडर्न द कंटेम्प्रेरी इंडिया इज हैज बीन अ मैटर ऑफ डिबेट. अब आज का जो इंडिया है वो कितना मॉडर्न है, हाउ मॉडर्न वी आर, ये एक डिबेट का पार्ट है, ठीक है? देखो, दीपांकर गुप्ता हैज बीन साइनिक अबाउट इंडियाज मिस्टेक इन मॉडर्निटी. ये चीज आपको याद रखनी है कि इंडियन मिस्टेक इन मॉडर्निटी जो है, ये दीपांकर गुप्ता का फ्रेज है. ज्यादा डिटेल में इसे नहीं समझना है, बस इतना याद रखो कि इनका ये बहुत फेमस फ्रेज है. ओके, बुक भी है आई थिंक इसी नाम की, इसीलिए. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जवाहरलाल नेहरू सेड इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर आर लाइक सम एंशिएंट पैलिंड्रोम on which layers upon layer of thought and reverie had been inscribed. कहने का मतलब था इनका कि इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसपे लेयर बाई लेयर थाट्स, या कह सकते हैं चीज़ें ऐड होती गई, और जो भी पास्ट था, जो भी पहले का लिखा हुआ था, वो कम्प्लीटली ना तो हिडन हुआ ना ही इरेज हुआ. ओके, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख सकते हो इन केस इसमें से क्वेश्चन आ जाए. नाउ ईरावती कर्वे ने इंडिया को बोला था द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो ये भी याद रखना है आपको. नाउ ऑस्वाल्ड स्पेंगलर, वेरी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट, आफ्टर मेकिंग अ स्टडी ऑफ 30 डिफरेंट सिविलाइजेशन, इन्होंने 30 डिफरेंट सिविलाइजेशन पे स्टडी की थी, एंड एर्नोल्ड टॉइनबी ने 19 सिविलाइजेशन पे स्टडी की थी, और इन्होंने कहा कि इंडिया फॉर इट्स रिलीजियस डोमिनेंस, यानी इंडिया जो है वो अपनी रिलीजियस डोमिनेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसी की वजह से उसका जो कल्चर है वो सस्टेन किया है थ्रू आउट हिस्ट्री. यानी हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है और उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए, राइट? अगर आप देखोगे, अगर अपने रिलीजियस डोमिनेंस को या रिलीजियस पार्ट्स को देखोगे, सो यू विल फाइंड दैट थिंग्स हैव बीन लाइक दिस फ्रॉम सो लॉन्ग, ठीक है? बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आए. नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्शन. अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट फीचर्स. ओके, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज यूनिटी. नाउ व्हाट इज यूनिटी? यूनिटी मींस इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब साथ में रहना एंड साथ में होना. ओके, इट इज अ सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशन. इट डिनोट्स एक सोसाइटी एंड साइकोलॉजी रिलेटेड कंडीशन है. इट डिनोट्स द सेंस ऑफ वननेस. ये हम लोगों के अंदर एक हम वाली फीलिंग लाती है, वीनेस वाली फीलिंग लाती है. इट रिफर्स टू द बॉन्ड. ओके, मैं अभी एक एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल्स, विच बाइंड्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी. देखो, आप लोगों ने देखा है जब आप लोग मैच देखने जाते हो, मान लो आप लोग स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने गए हो. ओके, सो वहाँ पे क्या होता है, इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान you will feel, you will pray कि पाकिस्तान जीते, and if you are Indian, you will pray कि इंडिया जीते, है ना? जितनी बार भी सिक्स मारा जाएगा सारे इंडियन क्लैप करेंगे. दिस इज वॉट, दिस इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, दैट ऑल द इंडियंस आर इंटीग्रेटेड, दे आर यूनाइटेड. ओके,
देर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी. अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यूनिटी को यूनिफॉर्मिटी से कंफ्यूज कर देते हैं. तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है. यूनिफॉर्मिटी इंक्लूड सिमिलैरिटी एंड यूनिटी. यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स. द फॉर्मर इज बॉर्न आउट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड द लेटर अराइजेस ओवरकमिंग द डिफरेंसेस. देखो यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है. स्कूल में आप लोगों ने देखा है ना यूनिफॉर्म बनाई जाती है. क्यों यूनिफॉर्म बनाई जाती है हर बच्चे को? ताकि उनमें डिफरेंसेस ना क्रिएट हो. ठीक है, उनमें यूनिटी बनी रहे. सो दिस इज अ डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, एम आई दुर्खाइम. वो सारे बच्चे हैं अलग अलग. कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, राइट? दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, बट यूनिफॉर्म से क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम सेइंग. नाउ एम आई दुर्खाइम फ्रेंड सोशोलॉजिस्ट हैज टर्म दीज टू टाइप्स एज मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. तो यहाँ पर आप लोग एम आई दुर्खाइम का जो मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाला पार्ट है उसे आप लोग रिलेट कर सकते हो. सो अगर आपको पता है कि मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होता है, इट्स गुड. बट अगर नहीं पता है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस हेयर, सो दैट जिसको नहीं पता है उसे भी पता चल जाए. देखो एम आई दुर्खाइम ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें दिया था जिसका नाम है मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. ठीक है, एक चीज सबसे पहले याद रखो कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी पहले होती थी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी अभी होती है. दैट मीन्स मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज ट्रेडिशनल, फाइन, एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज मॉडर्न. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न. ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? एबीसीडी में होता है ना एम एन ओ पी. तो एम पहले आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज पुराना वाला, एंड ओ बाद में आ रहा है तो ये अभी नया वाला. ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, तो मैंने ये ट्रिक आप लोगों को बता दी. नाउ मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज द मैटर ऑफ लेस एडवांस सोसाइटी. देखो मैंने कहा ना ट्रेडिशनल सोसाइटी है मैकेनिकल सॉलिडारिटी. तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी तब होती थी जब हमारी सोसाइटी ज्यादा एडवांस नहीं होती थी. चीजों में रिजेंबलेंस होता था, सेगमेंटेशन, क्लैन और टेरिटोरियल टाइप एंड रूलिंग विद रिस्ट्रिक्टिव सैंक्शन. नाउ व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिव सैंक्शन? जब कोई इंसान गलती करे तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना. जैसे कहते हैं ना आई फॉर एन आई, मीन्स अगर किसी ने चोरी करी तो उसके हाथ काट देना, है ना. अगर किसी ने किसी को मारा, मान लो किसी ने किक मार दी, उसके पैर काट देना. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज रिस्ट्रिक्टिव सैंक्शन. बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना किसी को. ठीक है, ये होता था हमारा मैकेनिकल सॉलिडारिटी में. ये सारे फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं. इट इज ऑल्सो हाईली रिलीजियस, बहुत ज्यादा रिलीजियस होती थी. ट्रांसेंडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सुप्रीम वैल्यू टू द सोसाइटी. सोसाइटी की बहुत ज्यादा मैकेनिकल सॉलिडारिटी में वैल्यू होती थी. ठीक है, और लोगों का काम जो है वो मोर और लेस एक जैसा होता था. फाइन, नाउ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में इन्होंने क्या कहा? मॉडर्न सोसाइटी के सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जिसको जिस काम में बेटर है उसको वो काम दे देना. कैरेक्टराइज बाय यूनियन ऑफ मार्केट एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज, रूलिंग विद क्यूरेटिव सैंक्शंस. नाउ व्हाट इज क्यूरेटिव सैंक्शंस? कि इंसान को मौका देना अपनी मिस्टेक को सुधारने का. ये नहीं कि अगर जैसे किसी ने अगर किसी को मारा है तो उसको सजा हो जाएगी, है ना, उसको अंडर लॉ दे दिया जाएगा जो भी, बट उसको ऐसे फांसी नहीं दे दी जाएगी, है ना. या फिर बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम है तब तो फांसी हो जाएगी, बट अगर मान लो चोरी की है तो उसको 5 साल की सजा हो जाएगी, 4 साल की सजा हो जाएगी. इतना उसमें रूम रहेगा दैट दैट पर्सन कैन बी बेटर. वो इंसान अपनी गलती से सीखे एंड ही कैन बेटर. बट उधर क्या हो रहा था मैकेनिकल सॉलिडारिटी में? हाँ, रिस्ट्रिक्टिव हो रहा था. रिस्ट्रिक्टिव मीन्स कि बहुत ही भयानक तरीके से पनिशमेंट दी जा रही थी. ठीक है, दिस इज वेरी सेक्युलर एंड ह्यूमन ओरिएंटेड एंड डज गिव सुप्रीम वैल्यू टू द इंडिविजुअल. पहले क्या होता था, रिलीजन की ज्यादा वैल्यू होती थी, बट अब इंसानों की ज्यादा वैल्यू है, अब इंडिविजुअलिटी की ज्यादा वैल्यू है. ठीक है, और एग्जाम्पल में आप इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज को यानी कि अभी को ले सकते हो. सो आई होप यहाँ पे मैकेनिकल और ऑर्गेनिक थोड़ा सा क्लियर होगा. मैं इसको अच्छे से बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी. ये मैंने इग्नू से लिया है नोट्स, दैट्स वाई ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. बट आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इफ यू डोंट नो. आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको चाहिए कि आप मैं इसे पढ़ाऊँ, तो मैं 5 मिनट्स वाली सीरीज में इस टॉपिक को कवर कर सकती हूँ. इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ओके, सो डोंट स्किप दैट. नाउ द सेकेंड फीचर इज डाइवर्सिटी. देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस. बट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट द मीनिंग इज मोर स्पेसिफिक. पर जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है. कैसे? इट ऑल्सो कॉनोट्स
कलेक्टिव डिफरेंसेस अमंग पीपल, स्पेशली दोज डिफरेंसेस विच डिफरेंशिएट वन ग्रुप ऑफ पीपल एंड अनदर. इसमें क्या होता है कि हम डाइवर्सिटी में हम कलेक्टिव डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं. डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप. ये वाला ग्रुप ए है, ये है ग्रुप बी और ये है ग्रुप सी. ठीक है, ग्रुप सी सबसे बड़ा है. सो इसमें आपस में इन सारे ग्रुप्स में डिफरेंसेस हैं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. और ये सारे ग्रुप्स साथ में रह रहे हैं. ठीक है, दे आर नॉट लिविंग अलग अलग, दे आर लिविंग इन द सेम कंडीशन. सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. समझ में आया? डिफरेंस तो है बट मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन. ओके, दीज डिफरेंसेज कुड बी बायोलॉजिकल. देखो, बायोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, यानी बॉय गर्ल, रिलीजियस हिंदू मुस्लिम सिख, है ना. जियोग्राफिकल रिलीज वो हो सकता है डिफरेंस. इकोनॉमिकल हो सकता है, पुअर या फिर रिच. देन लिंग्विस्टिक, फॉर एग्जाम्पल, रेशियल डाइवर्सिटी इज द कम्पोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंस. रिलीजियस डाइवर्सिटी इज कम्पोनेंट ऑफ रिलीजियस डिफरेंस. ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव डिफरेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. देखो, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट लोकेशन. ठीक है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं टोटल? डू यू नो? इफ यू नो लेट मी नो इन द कमेंट. कितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने सिटीज हैं, है ना. लोकेशन के बेसिस पे वी आर डिवाइडेड, राइट? वी आर डाइवर्स बट स्टिल वी हैव दिस कनेक्शन फॉर इंडियन सोसाइटी बिकॉज वी आर इंडियन. ओके, नाउ डाइवर्सिटी इन द जियोग्राफिकल सराउंडिंग रिफ्लेक्ट इन द वास्ट टेरिटरी विच हैज द प्रिवलेंस ऑफ वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं नॉर्थ में रहती हूँ, राइट, और यहाँ पर रोटी खाई जाती है, बट मेरी सिस्टर जो है वो साउथ में रहती है, वहाँ पर चावल का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसे वहाँ पर रोटी अच्छी भी नहीं लगती है और वो ज़्यादा खाती भी नहीं है. सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, राइट. लैंड टाइप अलग है, नेचुरल रिसोर्सेज अलग है, स्किन कलर अलग है. दीज जियोग्राफिकल फीचर आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग पैटर्न्स, फेस्टिवल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो ऐसी डिफरेंसेज, यू कैन से ऐसे डिफरेंसेज जो जियोग्राफी पे डिपेंड करते हैं, दीज आर कॉल्ड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में आपको जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलेगी. नाउ टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर. पहला, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. याद रखना, क्वेश्चन ऐसे CUET पूछ लेता है. गोवा जो है वो इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है. और भी इससे रिलेटेड कोई फैक्ट हो तो मुझे कॉमेंट में बताना. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज लैंग्वेज. वी ऑल नो इंडिया हैज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस. इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट. टोटल 122 इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं. 122 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से इंडो यूरोपियन है, द्रविडियन है, एस्ट्रो एशियाटिक है, तिब्बतो बर्मन है, सेमिटो हेमिटिक. तो ये कुछ मेजर लैंग्वेजेस हैं जो हमारे सेंसस 2011 में हमें पता चली हैं. ठीक है, ये फैक्ट है जो आपको बस याद करना है. देखो, डिस्पाइट हिंदी तो है ही बीइंग द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो पता ही होगा सबको कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, जो मैं अभी बोल रही हूँ. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस. नाउ दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, that 22 languages are there in our constitution. They are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi. हो सके तो ये सारे नाम याद कर लेना, वैसे मुश्किल है but at least options आए तो पता होना चाहिए. okay, however ये तो मैंने बताई दिया. सबसे ज़्यादा ये चीज़ याद रखना कि higher जो है number of languages वो ये वाले हैं. ठीक है, the first official, very important, सारे facts यहाँ पे important है for CUET aspirants. ठीक है, क्योंकि आपसे आंसर लिखने को नहीं आएगा, आपसे सीधा फैक्ट्स पूछे जाएंगे. द फर्स्ट ऑफिशियल सर्वे ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज कैरीड आउट बाई सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन फ्रॉम 1892 टू 1928. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये चीज याद रखना कि इंडिया में जो पहला ऑफिशियल सर्वे हुआ था लैंग्वेज डाइवर्सिटी पे, वो किसने किया था? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीडरसन ने. बहुत ही मुश्किल नाम है इनका. नाउ इसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखना. ओके, रीजनल आइडेंटिटीज इमोशनली स्टिमुलेटेड द पीपल टू फाइट फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. देखो, जब एक जगह पे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो, जैसे मान लो 50% लोग हैं जो कोई लैंग्वेज बोलते हैं एंड 50% लोग हैं जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्या होगा? देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट,
राइट, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं रीजनल आइडेंटिटी के बेसिस पे या फिर लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, जो कि हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखो आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड इंक्लूडिंग तेलुगु स्पीकिंग रीजन। ये पहला ऐसा स्टेट था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया, दैट इज तेलुगु स्पीकिंग रीजन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। The predominant culture of a region still remains as an important factor which provides for regional differences. तो एक region का जो culture है वो बहुत important होता है for regional differences. For example, the clash between Tamil speaking and Kannada speaking population in Karnataka. देखो ये clash है, बहुत ज़्यादा famous clash है। क्या clash है? कि Karnataka में दो तरह के groups हैं, एक है Tamil speaking, एक है Kannada speaking. Now they are in conflict and they are demanding that we need a separate states. ठीक है, कि हमें divide कर दो. Fine. और जब कावेरी रिवर से रिलेटेड वाटर का इशू होता है तो ये लैंग्वेज का भी उसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो बस इतना जानना है, ज़्यादा नहीं। देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हाउएवर आर्टिकल 343(1) वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशंस दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट। सो ये याद रखना, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बट आर्टिकल 343(1) हमें ये बताता है that the official language of union shall be Hindi, okay? Now in every society, family, marriage, kinship कुछ ऐसे concepts हैं जो बहुत ज़्यादा important हैं। तो Indian society में भी इसके क्या feature हैं हम लोग देखते हैं। देखो family is a very important part of Indian society, ठीक है, ये एक natural entity है, means ये naturally form होती है। We happen to assume that all families are like the ones we live in, no other social institution appears more universal, and देखो family एक ऐसा institution है जो बहुत ज़्यादा universal है और unchanging है। You have to remember this, ठीक है, कि unchanging मतलब ज़्यादा family में changes हमें देखने को नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, you can say 5-10%, but majority is unchanging, okay? The functionalists are of the view that the family does important task by contributing to the basic needs of society and maintaining social order. Functionalist कौन होते हैं? जो हर चीज का function देखते हैं society में, ठीक है, positive इनकी thinking होती है। इनका कहना है कि family का बहुत ज़्यादा importance है एक society में। इससे क्या होता है कि society में social order maintain रहता है, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, बेसिक नीड्स भी सोसाइटी की पूरी होती हैं। द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडियन सोसाइटी। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो आज भी इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है, एंड इसके ऊपर स्टडी किया था ईरावती कर्वे ने। ठीक है, इन्होंने देखो क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली लिव अंडर वन रूफ, ईट फूड कुक्ड इन वन किचन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन कॉमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ईरावती कर्वे ने जॉइंट फैमिली के बारे में क्या फीचर्स दिए थे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही किचन में बना हुआ खाना खाते हैं और एक ही प्रॉपर्टी को सब लोग कॉमनली होल्ड करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली जो कि ईरावती कर्वे ने हमें दिए थे। ठीक है, द न्यूक्लियर फैमिली इज फ्लेक्सिबल इनफ फॉर हैंडलिंग द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखो न्यूक्लियर फैमिली को इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको ये पूरा करता है। कैसे? देखो न्यूक्लियर फैमिली इज ईजी टू मूव। ठीक है, अगर मान लो मैं लखनऊ में रहती हूँ और मुझे बॉम्बे में जॉब मिल गई एंड मेरी जॉइंट फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, तो क्या होगा? मैं बहुत आसानी से बॉम्बे शिफ्ट हो सकती हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि वी लिव इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है दैट यू कैन नॉट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट, है ना? तो वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली विंस, न्यूक्लियर फैमिली में मूव करना ईजी हो जाता है। ठीक है, इन सच फैमिली वन एडल्ट कैन वर्क आउटसाइड होम, देखो, वाइल अदर एडल्ट कैरीज। और ये भी होता है कि मैं मूव ना करूँ, है ना, मान लो मैं लखनऊ में हूँ, मेरे हस्बैंड दिल्ली में काम करते हैं एंड वो सिर्फ वीकेंड पे आते हैं, सो ये क्या है? This because I have a nuclear family, so nuclear family supports industrial society, है ना, काम करना easy हो रहा है। I hope you understand this, okay? Now another important feature is caste. Caste पे तो मैं एक अलग से video बनाऊंगी because ये एक अपने आप में unit है, but यहाँ पर एक छोटा सा intro देख लेते हैं। Indian society में caste एक बहुत important part है, ठीक है, और वो social order maintain करता है। It has been a practice among not only Hindus, सिर्फ हिंदूज में नहीं है कास्ट सिस्टम, बट इस्लाम में भी कुछ कास्ट हैं, क्रिश्चियनिटी में भी हैं और सिखिज्म में भी हैं। ठीक है,
द प्रैक्टिस ऑफ कास्ट इज कॉमन एमंग द हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख एज वेल एज अदर कम्युनिटीज. मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू, अब यहाँ पे कुछ डिविजन्स हैं जो आप याद कर सकते हो, जैसे कि मुस्लिम्स में जो कास्ट होती हैं वो होती हैं अशरफ एंड अजीलफ. नाउ दिस थिंग इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम इग्नू, सो आई डोंट नो, मुस्लिम पीपल कैन कॉमेंट. ठीक है, देर आर मैनी कास्ट फाउंड एमंग सिख, लाइक देखो सिख में होता है जट सिख एंड महाजबी सिख, तो ये कुछ हैं जो आप याद रख सकते हो. इन हिंदुइज्म फोर कास्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता ही होना चाहिए, ब्राह्मण्स यानी कि प्रीस्टली पीपल, क्षत्रिय यानी कि रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर या वॉरियर, ठीक है, इसको ये भी कहते हैं राजन्यास. नाउ वैश्यास आर्टिसंस मर्चेंट ट्रेड्समैन एंड फार्मर्स एंड शूद्रास लेबरिंग क्लासेस. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको अंडर कास्ट याद रखने हैं, तो ये याद रखना. नेक्स्ट इज रेशियल डाइवर्सिटी. रेशियल डाइवर्सिटी क्या होता है? रेशियल मीन्स हमारा जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, हमारा जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे किसी की हाइट, किसी का स्किन कलर. ठीक है, रेशियल डाइवर्सिटी रिफर्स टू पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रेसेस एंड एथनिक ग्रुप हैविंग डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिविंग टुगेदर इन सेम स्टेट और कंट्री. यानी जब आप देखते हो, बाहर जाते हो, तो आप देखते हो ना, सबका अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है. नाउ दिस इज रेशियल डाइवर्सिटी. कोई एक जैसा तो नहीं होता है ना कि सब पतले हैं, सब मोटे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होता है, या सबकी हाइट सेम है, ऐसा तो नहीं होता है. द मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड प्लॉसिबल रेशियल क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन. नाउ यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखने हैं बाई हार्ट, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. ठीक है, बी एस गुहा, इन्होंने कुछ दिया है, देखो 6 मेजर रेशियल एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं हमें, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इसे कहीं पे नोट कर लेना. आई एम नॉट रीडिंग दिस क्योंकि बड़े ही अजीब अजीब से हैं, बट इसको आपको याद करना है. ओके, देन हर्बर्ट रिजले ने भी हमें कुछ क्लासिफिकेशन दिया है, इन्होंने 7 रेशियल टाइप्स की बात की है. नंबर भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना, मैच द कॉलम दे सकते हैं, सो ये चीज आपको याद रखनी है. टर्को ईरानियन, इंडो आर्यन, देन ये बहुत सारे हैं. ठीक है, तो ये सारे नाम आप लोग याद कर देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. PDF मैं दूंगी, वहां से भी आप लोग याद कर सकते हैं. सो ये तो हो गई रेशियल डाइवर्सिटी की बात, कि इंडियन सोसाइटी में रेशियल डाइवर्सिटी है. नाउ इंडियन सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्राइब. ठीक है, ट्राइब एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, यू गाइस नो ट्राइब कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखो, ट्राइब्स हैव बीन क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ होम ग्रोन पीपल विद लिटिल बैकग्राउंड हु आर एंटाइटल्ड टू हैव अ कॉमन नेम, लैंग्वेज एंड टेरिटरी टाइड बाई स्ट्रॉन्ग किनशिप बॉन्ड, प्रैक्टिसिंग इंडोगेमी, डिस्टिंक्ट कस्टम, रिचुअल एंड बिलीफ, सिंपल सोशल रैंक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी. देखो, यहाँ पर आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसमें सारी ट्राइब्स की फीचर्स लिखी हुई हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, कि उनका एक कॉमन नेम होता है, उनका कॉमन लैंग्वेज होता है ना. दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, ऑलवेज रिमेंबर. जैसे हम लोग, मैं अभी एक अर्बन एरिया में रहती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ. ठीक है, तो मैं अर्बन एरिया में रहती हूँ, यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं एक ट्राइब का पार्ट हूँ या मैं एक ट्राइब में रहती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फीचर्स इन मी, राइट. तो फीचर्स का याद रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है. ठीक है, नाउ जियोग्राफिकली द ट्राइब्स आर सेंटर्ड इन 5 रीजन. ये 5 रीजन है जो आपको याद रखना है. इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो हिमालयन रीजन में आपको कुछ ट्राइब्स मिलेंगी, देन मिडिल इंडिया में मिलेंगी, ये नाम भी याद रखना कहाँ पे कौन सी है. एक मैं लिस्ट बना के भी टेलीग्राम पे डालूंगी क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ट्राइब से. ठीक है, इंडियन सोसाइटी का पार्ट है ट्राइब एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ साउथ इंडियन रीजन में आपको टोडा, चेंचू ऐसी कुछ ट्राइब्स मिलेंगी, देन आइलैंड रीजन है ना, तो ये सारे नाम आप लोग याद रखना. ओके, और ट्राइब्स की फीचर्स भी याद रखना. कोई भी डाउट होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट. ओके, नाउ इंडियन सोसाइटी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिलीजन. वी नो हमारे यहाँ रिलीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर देखो हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है एंड जोरास्ट्रियनिज्म है, और भी हैं. ठीक है, नाउ PIB के अकॉर्डिंग देखो 2011 की जो पॉपुलेशन थी उसमें हिंदू थे 79.8%, मुस्लिम थे 14%, क्रिश्चियन थे 2.3%, सिख थे 1.7%, है ना, बुद्धिस्ट थे 0.7%, जैन 0.4% एंड अदर आर 0.7%. रिलीजन नॉट स्टेटेड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अपना रिलीजन गिवअप कर रखा है? दे आर 0.2%. ओके, वेरी लेस. नाउ
यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. मैंने पीपीटी देखो ऐसे ही बनाई है कि मैंने जितना भी मुझे लगता है एग्जाम ओरिएंटेड इस टॉपिक में हो सकता है मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि इसमें थ्योरी मुझे नहीं पढ़ानी थी, मुझे सिर्फ फैक्ट्स बताने थे. थ्योरी तो आप रीड भी कर सकते हो, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट इसमें से आपसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन, ये क्वेश्चन आ भी चुका है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं है, बट किसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में या पीजी एंट्रेंस में ये पूछा गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है. द करेक्ट आंसर इज क्रिश्चियनिटी. पूरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ओके, नॉट इंडिया. द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन इज यूनाइटेड स्टेट्स. सबसे ज्यादा यूएस में है क्रिश्चियन. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पूरे वर्ल्ड की जब बात हो तो सबसे हाईएस्ट है क्रिश्चियनिटी. ओके, नाउ दिस इज सम डेटा दैट आई फाउंड. मैंने यहाँ पे क्लब कर दिया है, तो जब पीपीटी दूंगी तो इसे पढ़ना. 2001 के अकॉर्डिंग हिंदू सबसे ज्यादा, मुस्लिम सेकंड नंबर पे, क्रिश्चियन थर्ड नंबर पे. इससे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है. ओके, 2011 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट सेंसस तो आया नहीं है, तो हम लोग पुराना ही पढ़ेंगे. इसमें देखो हिंदुइज्म है, इस्लाम है सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड पे क्रिश्चियनिटी. तो थर्ड फिफ्थ तक यू कैन रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं थर्ड नंबर पे सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे लीस्ट कौन है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है. दिस इज वर्ल्ड वाइड. देखो ये इंडिया की बात कर रहा है, दिस इज वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड फर्स्ट पे है क्रिश्चियनिटी, सेकंड पे इस्लाम, एंड हिंदुइज्म ऑन फोर्थ. तो इस तरीके से आप याद रखना, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. ओके, डोंट टेक दिस लाइटली. नाउ आफ्टर एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट द लास्ट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, दैट इज प्लूरलिज्म. अब प्लूरलिज्म क्या होता है? इंडिया इज नोन, देखो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा यूनिटी, हम लोगों ने पढ़ा डाइवर्सिटी, और अब आ गया प्लूरलिज्म. तो बहुत से लोग तो मीनिंग में ही कंफ्यूज रहेंगे कि यूनिटी भी वही है और डाइवर्सिटी भी वही है, अब प्लूरलिज्म भी वही है, बट ऐसा नहीं करना है. देखो इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्लूरलिज्म, नेमली रिलीजियस प्लूरलिज्म, कल्चरल प्लूरलिज्म, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक. प्लूरलिज्म इज अ मैकेनिज्म वेयर इट रिकॉग्नाइजेज द इंटरेस्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स एंड सीज इट टू दैट नो सिंगल ग्रुप डोमिनेट्स अ रीजन. देखो प्लूरलिज्म का मतलब सीधा सीधा क्या है, दैट नो सिंगल ग्रुप कैन डोमिनेट द रीजन ऑफ इंडिया और इंडिया. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी, एंड स्टिल वी आर मैनेजिंग टू लिव टूगेदर विथ हैविंग रिस्पेक्ट विद ईच अदर या टू ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से सब रहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लूरलिज्म. आवर प्लूरलिस्ट सोसाइटी कंप्राइजेज मेनी ग्रुप. यहाँ पे वुमेन, मैन, एथनिक ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स हैं, इतना हम लोगों ने देखा भी है ना, लोअर मिडिल क्लास भी है, सब लोग साथ में रहते हैं. दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ आवर सोसाइटी. सो आई होप यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के फीचर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना. So that's it for today, guys. I hope you like this lesson. If you're a sociology student, don't forget to subscribe. Go to playlist. बहुत कुछ मैंने डाल रखा है चैनल पे for free. बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम paid classes हैं क्या? नहीं भाई, paid classes अभी नहीं है, क्योंकि मेरा motive ही यही था कि मैं इस चैनल को free of cost content बना के डाल सकूँ. Okay? So playlist में जाके जो भी available है freely उसे use करो यार. And this is the टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पे मिलेंगी. और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, यहाँ पर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग.